बस आगे मत जाओ बस भाई क्या कोई बहुत चमक रहा है भाई लेफ्ट से देख के पहले यहाँ से भाई आप पे आपके साथ फोटो मेरे को नहीं है पंकज भाई यहाँ पे लेफ्ट में लेफ्ट में कैमरे में देखो यार कैमरा में देख लो सर आपका दिल पे जख्म सॉन्ग आज यूट्यूब पे आ चुका है, पब्लिक का अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है, आपको इस पे क्या कहना है? बहुत बहुत खुशी हो रही है, आज सुबह ही दिल पे जख्म रिलीज हुई है और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है। और क्या चाहिए, किसी भी एक्टर के लिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये होता है कि जब आप कुछ मेहनत करते हो लोग उसे देखें और अप्रिशिएट करें। सर आपके अब तक जितने भी सॉन्ग आए हैं वो सारे इमोशनल रहे, सैड सॉन्ग रहे, तो ब्रेकअप हुआ है या तो पैचअप, ऐसा क्यों? देखिए ये तो मेकर्स को आपको बोलना पड़ेगा। आई थिंक मुझे किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि जो चीज़ लोग जो आपको पसंद करते हैं जिसमें उसमें आप ज़्यादा खेलो, उसमें लोगों को और दिखाओ, क्योंकि लोग उस वो चीज़ को आपको पसंद कर रहे हैं। तो आई थिंक वो ज़रूरी है और मेकर्स भी समझते हैं जो चीज़ चल रहा है उसको और दिखाया जाए। आई थिंक अच्छा स्पेस है और इमोशन दिखा पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। आई थिंक जब आप कनेक्ट करते हो, जब आप किसी गाने से कनेक्ट करते हो और जब आप वो इमोशन निकाल पाते हो तो लोग तभी आपको पसंद करते हैं। सर आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वेल अभी तो जैसे आप जानते हैं कि लास्ट ईयर से गाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ और काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत प्यार किया। 1 बिलियन के आसपास तीन गाने गए हैं और अभी आज एक गाना हुआ है और 1 तारीख को एक और गाना आ रहा है। आई थिंक ये जो स्पेस है गानों का ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि आप विजिबल होते हो, आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। म्यूज़िक वीडियो आजकल ऐसा नहीं रहा कि जहाँ पे आप अपने लुक्स दिखाते हो, सब एक शॉर्ट फिल्म की तरह होता है, आप उसमें एक्ट करते हो। तो आई थिंक मैं ये काफ़ी अच्छे स्पेस में हूँ, जहाँ भी जाता हूँ गाने मेरे गाने मुझको सुनाया जाता है एंड डेफिनेटली फिल्म का तो चल ही रहा है क्योंकि ये सही टाइम है जहाँ पे लोग अप्रोच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत सही टाइम पे हूँ मैं और आई वुड लाइक टू से कि मैं टी सीरीज़ को बहुत बहुत दिल से भूषण जी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि भूषण जी ने मुझ में बिलीव किया और उन्होंने मुझे बैक टू बैक गाने दिए। 1 तारीख को जो इहाना ढिल्लन जी के साथ में आपका गाना आ रहा है वो बहुत ही एक्साइटेड है, आप बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं क्योंकि वो तुलसी जी ने उसमें तुलसी मेरी फेवरेट है क्योंकि मेरी फिल्म में भी उन्होंने गाया था और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी सिंगर हैं और उतनी ही अच्छी इंसान हैं। तो 1 तारीख को हमारा गाना आ रहा है अगेन वजह तुमों के बाद हम लोग साथ में दोबारा काम कर रहे हैं। आई थिंक वो गाना जैसे अभी आपने कहा कि मैं हमेशा रुला देता हूँ गानों में, इमोशनल हो जाता हूँ या लोगों को रुला रहा होता हूँ, लेकिन ये जो गाना जो 1 फरवरी को आ रहा है ये कुछ अलग है, कुछ हटके है, बहुत अच्छा इमोशन है और आप लोगों को मज़ा आएगा। आपका वो जो कंप्लेन है ना कि गुरमीत रुलाता है वो हट जाएगा। आई थिंक सो ब्रेकअप के लिए ज़्यादा रहता है, जिनका भी न्यू ब्रेकअप हुआ रहता है या तो किसी का पैचअप हुआ रहता है लव सब, तो इसलिए आई थिंक मुझे लगता है सबका कुछ ना कुछ दिल टूटा रहता है। वो बंदा रो भी रहा है उसका दिल अभी भी टूटा, उसने मुझे बोला तो गाना देख के उसको अपनी याद आ गई। थैंक यू सर, मुझे आपसे कुछ कहना है।